जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने प्राथमिक विद्यालय संघ के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा, विद्यालय का नया सत्र शुरू हो रहा है और सभी शिक्षकों से अनुरोध किया गया है कि विद्यालय में उच्च शिक्षा के जो मॉडल है उसके तहत पढ़ाई करवाई जाए, क्योंकि कोरोना में बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, जिससे उनकी पढ़ाई बाधित हुई थी। अब बच्चे स्कूल चलो अभियान के तहत विद्यालयों में जा रहे हैं, जिसको देखते हुए सभी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि बच्चों को विद्यालय में अच्छा वातावरण, अच्छा परिवेश, अच्छी शिक्षा दी जाए। इसके साथ ही मिशन कायाकल्प में सभी पदाधिकारियों की सक्रियता, सहभागिता मिले, अनुरोध किया गया, और जिन बच्चों का पंजीकरण नहीं हुआ है उन बच्चों के पंजीकरण के लिए भी कहा गया। इस अवसर पर BSC रामेंद्र सिंह सहित शिक्षा विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि 2 साल की वैश्विक महामारी में स्कूल बंद होने के पश्चात हमारे सच्चे सत्र शुरू हो रहा है। बहुत उत्साह भी मुझे देखने को मिल रहा है, बहुत बच्चों के अभिभावकों में भी बहुत जिज्ञासाएं हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से बच्चों की दक्षताओं में प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ा होगा, कितना भी हमारी कोशिशें रही हों ई पाठशाला अथवा मोहल्ला पाठ चलाने की, लेकिन दक्षताओं में प्रभाव तो पड़ा है। हर वर्ग के बच्चों को, प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी विद्यालय हो, सभी, विशेषकर हमारे सबसे गरीब बच्चे जिनके लिए ऑनलाइन क्लासेस सफलतापूर्वक हम नहीं कर पाए, तो विशेष जिम्मेदारी है सभी को, सभी शिक्षकों को, सभी संगठन के पदाधिकारियों को इसमें विशेष प्रयास करना चाहिए, वरना इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा कि हम 100 साल में आने वाली एक महामारी के दौरान सबसे हमारे कमजोर बच्चों की आवाज़ नहीं बन पाए। तो मैं आग्रह करता हूँ, इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ समझाया भी है, बहुत लोगों का बहुत नुकसान भी हुआ है, हमारे शिक्षक साथियों का भी नुकसान हुआ है, तो हम चाहेंगे कि हम एक नई शुरुआत करके एक अच्छा कीर्तिमान बनाएं और उसमें अग्रणी बनाएं गोरखपुर। 2 मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए आप बता दो, अभी हम लोग परीक्षा के लिए जो मूल्यांकन परीक्षा हम लोग चाहते थे कि बच्चे 2 साल बाद आए हैं, जैसे एक हम लोगों ने एक छोटी सी परीक्षा सरल ऐप के माध्यम से कराई, तो हम चाहते हैं कि अभी 25 अप्रैल को हम एक और परीक्षा कराएं। इसमें मकसद ये है कि हम ज्ञात कर लें बच्चे कहाँ हैं, शीलतापूर्ण माहौल में हो जाए, नकल विहीन हो जाए, बढ़िया हो जाए, कोई इसमें किसी तरह की शिक्षकों की भूमिका नहीं बनाई जाती, तो हम डेटा दे दें, बिना डेटा के सिस्टम नहीं चल सकता। तो इसलिए गलतियाँ हुई थी, टीचर्स को समझ में आने में दिक्कत आई, इस बार हम बढ़िया प्रशिक्षण कराएंगे, बहुत ही सरल है, 10वीं कक्षा का बच्चा भी कर सकते हैं, बस OMR शीट में मार्क करना है, तक फोटो लेना है, अपलोड करना है, इससे आसान काम तो नहीं हो सकता, और तुरंत 2 दिन में आपको रिजल्ट दिख जाएगा टेस्ट बोर्ड। हमारे सेंटर से हमारे ERP शिक्षा संकुल जो लगे हैं, ASRT लगे हैं, वो फोन करके टीचर बताएंगे, देखिए ये सब थोड़ा मैथ्स में वीकनेस है, गणित में, अंग्रेजी में वीकनेस है, ये बता देंगे, ठीक है। तो बताओ जैसे सर, हमारे सभी सम्मानित शिक्षक संगठन के पदाधिकारी, हम लोग इस वर्ष से हर स्कूल में बच्चों का असेसमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बच्चों ने 1 माह में, जो हमारा पाठ्यक्रम विभाजन है कि 1 माह में पाठ 1 या पाठ 2 तक पढ़ा लेंगे, उसके आधार पर क्वेश्चंस बनेंगे, और क्वेश्चंस को पेपर हम लोग 20 तारीख तक 22 तारीख तक मैक्सिमम सभी स्कूलों पर पहुंच जाएंगे, उसके आधार पर बच्चों का असेसमेंट होगा, और टीचर उसी OMR सीट को भर के तुरंत स्कैन करके दे देंगे, उससे हमारा रिपोर्ट मॉनिटरिंग सेंटर तक आ जाएगा, और हम ये देखेंगे कि किस स्कूल में किस सब्जेक्ट में क्या दिक्कत आ रही है, किस लर्निंग आउटकम को मीट आउट करने में दिक्कत आ रही है, तो उस पर हम जो हमारी एकेडमिक फैकल्टी है, डाइट मेंटर, ERP, SRG, इनकी एक रिच टीम है, और इनके अलावा भी टीम है जो टीम सपोर्ट करेगी उस स्कूल में जाके। अभी क्या होता है कि मैथ का ERP हमारा हर स्कूल पदाधिकारियों के साथ आज बैठक की गई, विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई, लगातार हम लोग सारे स्टेक होल्डर से वार्ता करते रहते हैं, और उसी श्रृंखला में ये भी कार्रवाई की जा रही है। अभी नया सत्र शुरू हुआ है, सभी शिक्षकों से अनुरोध किया गया था कि उपचारात्मक शिक्षा के जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उसको अंगीकृत करते हुए पढ़ाई सुनिश्चित करें। 2 साल के वैश्विक महामारी के बाद बच्चे हमारे स्कूल में स्कूल चलो अभियान के माध्यम से उत्साह के साथ प्रतिभाग कर रहे हैं, कक्षाओं में आ रहे हैं, उनको अच्छा वातावरण मिले, अच्छा परिवेश मिले, अच्छी गुणवत्ता का शिक्षा मिले, इसके लिए आग्रह किया गया।
कायाकल्प में उनकी सक्रिय सहभागिता के लिए आग्रह किया गया और साथ ही साथ जितने भी बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं उनको पंजीकरण कराने के लिए और उनको नियमित ठहराव और पढ़ाई के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया।